बीजेपी से निष्कासन का बहुत 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 कम एग्जाम्पल मिलता है, जो है निष्क्रिय भले कर दे लेकिन निष्कासित इस हिसाब से निष्कासित नहीं करती है जिस हिसाब से। इन आंसुओं की कीमत मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में हमने ये भी देखा है कि ये आंसू आखिरी मोमेंट पर टाइमिंग के हिसाब से बड़े कमाल कर जाते हैं, और साथ ही जो बयान उनकी तरफ से दिया गया कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। नहीं, कोई कीमत नहीं होती है, जनता समझती है कौन सा असली आंसू है और कौन सा घड़ियाली आंसू है। ये अपनी पार्टी के कांग्रेस के नहीं हुए तो उस वक्त ये क्यों छोड़ के आ गए थे बीजेपी में, नैतिकता का सवाल है। रही बात अगर ये बोल रहे हैं मैं मुंह खोलूंगा तो देर किस बात की है, किसने इनका मुंह सुन के रखा हुआ है। आपका तो जो होना था वो हो गया तो आपको प्रॉपर वे में बोलना चाहिए, थोड़ा सा क्यों आप कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके हिसाब से सोशल मीडिया पे कुछ भ्रामक खबर चला दी गई है। अगर ये 100% कॉन्फिडेंट है कि ये खबर भ्रामक है तो जाकर के आईटी एक्ट में सुविधा है, ये कुछ अपना कंप्लेंट वगैरह करें वहां पुलिस को कि किसने ये खबर चलाई, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। क्योंकि जिस आदमी ने ये खबर चलाई तो क्या, है अखिलेश जी, अखिलेश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन जो आपकी बात निकल कर सामने आई इसमें से ही एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी अभी आधे ही खुले हैं, तो उन्हें ये बात समझ आई और इसी वजह से वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आए? इस तरीके बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई है और उनको अपनी असली औकात भी समझ में आ गई है, तभी उन्होंने कांग्रेस के सामने बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने खुद ये बोला कि पार्टी मुझे नहीं लेगी, मैं तब भी सेवा करता रहूंगा। तो फिर इनको क्या डरना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस से, ये क्यों मुंह खोल रहे हैं और क्यों कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं, इनका कब इतना कद्दावर है? ये तो अपने दम पे विधायक बन सकते हैं, दो चार लोगों को लेकर के विधायक। या तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि ये भाजपा और कांग्रेस के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तीन बड़े बेसिक क्वेश्चन है कि अब आपको क्या डर है, मुंह खोलिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने गलत या भ्रामक खबर आपके खिलाफ चलाई, उसने आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया और आप मंत्री रहे हैं, पूरी राजनीति में एक दिग्गज नेता रहे हैं, आप FIR नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को क्या बोला जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने आप को इतना कद्दावर नेता मानते हैं और मानते हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो भारतीय राजनीति में भूचाल आ जाएगा, तो अपनी इस शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करिए, निर्दलीय लड़िए और पूरी सरकार बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए। निगेटिव पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? क्या मुख्यमंत्री बनने की आस को लेकर भी हरक सिंह रावत एक जगह से दूसरी जगह पाला बदलते रहे और अब उन्हें इसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है? राज्य स्तर का नेता उसके मुंह खोलने पे पूरे भारत की राजनीति में भूचाल आ जाए तो मैं उनको कम से कम मुख्यमंत्री पद से कम का दावेदार नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ अपनी पार्टी बना के ये चुनाव लड़ेंगे तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। अगर पूरी भारत की राजनीति को हिलाने का ये दावा कर रहे हैं कि इनके मुंह खुले और पूरे भारत की पक्ष विपक्ष की राजनीति हिल जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी इतनी अगर इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है, शक्ति है, तो उसका सदुपयोग करिए। 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, अपनी पार्टी बनवाइए और आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस दोनों को साफ कर देंगे। छोड़िए बीजेपी कांग्रेस का लफड़ा, आप अपने दम पे भरोसा करें। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हरक सिंह रावत निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी का? डेफिनेटली देखिए, अगर इतने कद्दावर नेता है, जहां जाएंगे दो चार विधायक तो उनके फेवर में रहते ही हैं, जनता तो रहते ही है, चाहे पक्ष विपक्ष में दोनों जगह कुछ ऐसी कद्दावर पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो होती है नेताओं की, जो कि डेफिनेटली एक मादा रखते हैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालने का। वो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये डिपेंड करता है कि उनका अपना व्यक्तिगत कद उस एरिया में, उस क्षेत्र में कितना मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो महत्वपूर्ण लेवल पे असर डालेंगे कि इतना असर होगा कि पार्टियों को या जनता को महसूस भी नहीं होगा, ये एक दूसरी बात है। किसी को भी कम करके आंका नहीं जाना चाहिए, आने जाने का सिलसिला शुरू है। पहले भी लोग एक दूसरे से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, कुछ न कुछ फाइन ट्यूनिंग में कमी आई है, चाहे कमी बीजेपी की रही हो चाहे इनकी रही हो। बीजेपी से निष्कासन का बहुत 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 कम एग्जाम्पल मिलता है, जो है निष्क्रिय भले कर दे लेकिन निष्कासित इस हिसाब से निष्कासित नहीं करती है जिस हिसाब से इनके साथ हुआ है, जो है हरक रावत जी के साथ जो हुआ है, हरक रावत जी के साथ जो हुआ है वो इस हिसाब से नहीं होता है। अंदर खाने की क्या खबर है मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ जबरदस्त गैप जरूर हुआ है, अदरवाइज बीजेपी निष्कासित जल्दी जवाब ले लेते हैं।